हेरा फेरी जैसी भी हो हेरा फेरी होती है, जैसे डिग्री डिग्री होती है, असली हो या नकली। नजर डालते हैं दिलचस्प लेकिन दिलखराश वाकयात पर। कोरोना के बाद पाकिस्तान समेत दुनिया भर के हालात में जिस तरह की तब्दीली आ रही है, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि तब्दीली दूर नहीं। लेकिन हम जिस तब्दीली की बात कर रहे हैं वो जरा मुख्तलिफ है। जरा गौर कीजिए इन वीडियोस पर तो आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि हम किस तब्दीली की बात कर रहे हैं। इन साहब को देख लें जो हक हलाल की रोजी कमाने में मसरूफ हैं, लेकिन कैसे वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। गाहक जो चीज खरीदना चाहता है ये साहब उनको वो नहीं दे रहे, बल्कि अपनी मर्जी चला रहे हैं, वो भी हेरा फेरी के साथ। एहतियात हर काम में जरूरी है, चाहे खुशी का मौका हो या कुछ और। इन साहब को भी देख लें जो ना जाने किस खुशी का इजहार कर रहे हैं कि इनका जिस्म भी बेकाबू हो गया। यह नौजवान भी हेरा फेरी करने चला था, लेकिन इसको अंदाजा ना था कि हर शेर का सवा शेर होता है। जनाब ने फोन पर किसी दोशीजा से राबता किया, मुलाकात का वक्त तय पाया, लेकिन ये जो हेरा फेरी करने चले थे खुद इनके साथ हेरा फेरी हो गई और ये रंगे हाथों पकड़े गए। फिर जो इनके साथ हुआ वो आपके सामने है। ये हेराफेरी कौमी सतह पर हुई है जहां अरबों रुपए खर्च हुए, लेकिन किस हद तक वो आप खुद जान चुके होंगे। ये मनाजिर हैं नए तामीर होने वाले इस्लामाबाद एयरपोर्ट के, जहां बारिश होने पर छत का प्लस्तर ही बरसने लगा। ये साहब अमरीकी रियासत जॉर्जिया के शहर सवाना के वजीर बराए नौजवानान यानी यूथ मिनिस्टर हैं। इन्होंने खातून टीवी रिपोर्टर के साथ बराह रास्त रिपोर्टिंग के दौरान एक ऐसी हरकत की जिसकी बिना पर उन्हें $1,000 जुर्माना, 1 साल कैद और 200 घंटे अवामी खिदमत के लिए वक्फ करने की सजा सुनाई गई। 44 साल थॉमस कॉलवे ने शहर में होने वाली एक रेस के दौरान खातून रिपोर्टर की पुश्त पर जोरदार थप्पड़ दे मारा, जो कैमरे की आंख ने कैद कर लिया, जिसके बाद इन्हें खुद भी कैद हो गई। जिसको मद्देनजर रखते हुए शायद ये मिनिस्टर दोबारा ऐसी हरकत ना करें।